Whenever we talk about riding gears or bike accessories, the only brand that's come to my mind is ViaTerra Gears. I've been using ViaTerra Gears products since last 3 years, whether it's a casual ride, a long ride or a day-to-day life. These products are really amazing. और मैं confidently कह सकता हूँ ये products आपको कभी disappoint नहीं करेंगे. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine. So guys, this video is sponsored by ViaTerra Gears. Last video में मैंने दिखाए थे आपको ViaTerra के दो products और उनकी installation जो कि थे handlebar risers and side stand shoe for KTM Adventure 390. तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ my experience after installing these accessories. But before sharing my review, मैं आपको products की एक बार specifications बता देता हूँ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे handlebar risers की. तो बात करते हैं इसके मटेरियल की. ViaTerra handlebar risers are durable and long-lasting, made from aircraft-grade tempered 6000 series of aluminium alloy. This product is designed with precision and consistency. These handlebar risers come with stainless steel bolts, so they are rust-proof for a long time. Now let's talk about my experience after installing these handlebar risers. सो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ दिस हैज़ चेंज्ड माई राइडिंग एक्सपीरियंस स्पेशली ड्यूरिंग ऑफ रोड्स एंड दिस विल इन्हांस माई राइडिंग व्हेन आई विल बी गोइंग फॉर मोर एडवेंचर और टूरिंग राइड्स. दीज राइजर्स आर प्रोवाइडिंग मी मोर कंफर्टेबल एंड अपराइट पोजिशन. And one thing more that I can experience after installing these, that are less handle vibrations. So I will definitely recommend this product for bikers who are very enthusiastic for adventure rides, long rides or short rides, Sunday rides, because this will improve your riding position, posture, your comfortability a lot. Now let's talk about our second product, that's the side stand shoe for KTM Adventure 390. So the build quality is amazing. So आप देख सकते हैं जो bike का side stand shoe है उसकी वजह से सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जब भी हम अपनी बाइक को खड़ा करते हैं. आप देख सकते हैं इस वक्त बाइक जो है एक मडी एरिया में हमने खड़ी करी है स्टैंड के साथ, एंड आप देख सकते हो जिस तरह से इसने सरफेस एरिया कवर किया है उसकी वजह से बाइक बहुत ही रिजिडली स्टैंड कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारी बाइक के लिए. इस सीन से मुझे एक इंसिडेंट याद आया जो हमारे साथ लद्दाख में हुआ था व्हाइल वी वर गोइंग टू उमलिंगला पास. इसी तरह की रोड थी, वो पक्की सड़क थी बट इट वॉज न्यूली मेड रोड, तो उस पर बाइक इसी तरह से खड़ी थी और जो इसका स्टैंड हुआ ये कि रोड इतनी सॉफ्ट थी कि स्टैंड अंदर की तरफ चला गया, घुस गया. बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी जैसे अभी ये मडी एरिया है, एंड वहाँ पे हमारी बाइक गिर गई थी एंड बाइक पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी आए थे. तो अभी जिस हिसाब से ये साइड स्टैंड शू ने इसको ग्रिप दे रखी है, इसको अच्छी तरह से रिजिडली संभाल रखा है इतने कीचड़ वाले एरिया में भी, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करी है साइड स्टैंड शू ने. ये प्रोडक्ट ViaTerra की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप ऑनलाइन वहाँ से परचेज कर सकते हैं. आई वुड रिकमेंड कि हर बाइकर के पास इस तरह की बाइकिंग एक्सेसरीज होनी चाहिए. तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. अगर आपको कोई भी डाउट है राइडिंग गियर्स से रिलेटेड या राइडिंग से रिलेटेड, फील फ्री टू कमेंट. जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड थैंक्स टू ViaTerra वंस अगेन.